three-way catalytic converter. Three-way catalytic converter का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद ऑटोमोबाइल्स गाड़ियां व्हीकल्स से जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं उन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों के अंदर थ्री वे कैटालाइटिक कन्वर्टर हम इस्तेमाल करते हैं. प्लीज बात को समझिए कि थ्री वे कैटालाइटिक कन्वर्टर गाड़ी के अंदर मौजूद हुआ करता है. अगर आपने देखा हो इंजन से एक पाइप आया करता है, इस पाइप के एंड पे बिल्कुल ये पाइप कुछ ऐसे मोटा हो जाता है. उसके बाद फिर यहाँ से क्या होती है, एमिशन होती है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस फिर निकल रही होती हैं. इसको बोलते हैं ये जो डब्बी, बल्कि लोकल लोग इसको ढोलक कह रहे होते हैं. इस ढोलकी को, इस पोर्शन को हम थ्री वे कैटालाइटिक कन्वर्टर कहते हैं. प्लीज़ याद रखें कि हिस्टोरिकली 1975 अमेरिका में ये इंट्रोड्यूस हुआ था गाड़ियों के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1975. लेकिन ये कौन सा था, ये टू वे कैटालाइटिक कन्वर्टर था. ओके, इसके अंदर दो रिएक्शन हो रहे होते थे. फिर उसके बाद जब हमने महसूस किया कि नॉक्स नाइट्रिक ऑक्साइड भी पॉल्यूटेंट है, फिर यूं 1981 के बाद से फिर क्या इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, थ्री वे कैटालाइटिक कन्वर्टर इंट्रोड्यूस हुआ. कैटालाइटिक कन्वर्टर को हम शॉर्टकट कैटकॉन्स भी कहते हैं, शॉर्टकट कैटकॉन्स भी कहते हैं. आइए हम पढ़ते हैं कि ये ऑटोमोबाइल से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स को कैसे कंट्रोल करता है. प्लीज याद रखें कि हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स हैं ऑटोमोबाइल से आपके पास वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं, ऑटोमोबाइल से आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, ऑटोमोबाइल से आपके पास क्या रिलीज होते हैं, नॉक्स रिलीज होते हैं. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट हैं जो हमें ऑटोमोबाइल गिफ्ट कर रहा होता है. तो आइए इन तीनों को हम कैसे कंट्रोल करते हैं. तो याद रखें हमारे ऑटोमोबाइल में ये जो कैटालाइटिक कन्वर्टर होता है इसके अंदर थ्री रिएक्शंस हो रहे होते हैं. कितने रिएक्शंस, थ्री रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे होते हैं. थ्री रिएक्शंस में नेट अगर देखें तो हमारे पास क्या होता है, वॉक्स को और कॉक्स को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं, जबकि नॉक्स को हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिड्यूस कर रहे होते हैं. तो थ्री रिएक्शंस आप देखते हैं वो तीनों के तीनों कौन से रिएक्शंस होते हैं, वो तीनों के तीनों रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं. प्लीज यहां पर आप पॉइंट को जरूर समझिए. हम पहले डिस्कस कर रहे हैं नॉक्स की रिडक्शन को डिस्कस करते हैं कैसे होगा. याद रखें आपके पास वाटर प्लस अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स, वाटर एंड अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स के सामने एक वायर गाज लगी हुई होती है जो कि रोडियम की बनी हुई होती है, रोडियम की वायर गाज बनी हुई होती है. तो वाटर और हाइड्रोकार्बन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहां से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन फिर क्या करेगा, दिस हाइड्रोजन विल अटैक ऑन नाइट्रिक ऑक्साइड लेट सपोज, तो फिर क्या होगा, आपके पास H2O बनेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, N2 रिलीज हो जाएगा. ओके, मैं इसको जरा बैलेंस कर दूं ताकि आपको जरा आसानी हो जाए. तो 2H2O और N2, व्हाट्स हैपेंड, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नाइट्रिक
ऑक्साइड इज नोन एज रिडक्शन. तो रिडक्शन के चैम्बर में कैसे काम होता है कि रोडियम के वायर गास पर वाटर और हाइड्रोकार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगा. हाइड्रोजन विल अटैक द नॉक्स टू कन्वर्ट इट इंटू नाइट्रोजन गैस. एंड यू नो वेल, ये अब हमारा इन्वायरमेंट का फ्रेंड है. इन्वायरमेंट फ्रेंड है. ओके, ये था हमारे पास पार्ट वन. आइए हम ऑक्सीडेशन को डिस्कस करते हैं. प्लीज याद रखिए, यहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं. याद रखें, प्लैटिनियम या पैलेडियम का एक वायर गाज होता है. प्लैटिनियम और पैलेडियम का वायर गाज इस्तेमाल करेंगे. इस प्रोसेस में यूं होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. आपके पास अगर मीथेन रिलीज हो रहा है, अगर मीथेन रिलीज हो रहा है तो ये CO2 और H2O में रिलीज होगा. प्लैटिनियम और पैलेडियम वायर गैस. यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर गाड़ियों से, अगर आप सर्वे करें, अक्सर गाड़ियों से कैटालिटिक कन्वर्टर चोरी हो जाता है. बिकॉज ये प्लैटिनियम और पैलेडियम आर मोर एक्सपेंसिव देन गोल्ड. इसीलिए अक्सर जगहों पे ये शिकायतें मौजूद हैं कि गाड़ी होती है, कैटालिटिक कन्वर्टर मौजूद नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एलिमेंट्स हैं. यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट आज का, हम टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं. टेट्रा इथाइल लेड इस्तेमाल करते हैं. किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करने के लिए टेट्रा इथाइल लेड. हमारे पास एक नेगेटिव कैटलिस्ट है, एंटी नॉक एजेंट है. एंटी नॉकिंग एजेंट है. जब आपका पेट्रोल गाड़ी के अंदर यूज हो रहा होता है, गाड़ी शोर कर रही होती है, तो पेट्रोल की क्वालिटी लो होती है, तो फिर आमतौर पर हम टेट्रा इथाइल लेड डालते हैं. इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इससे आपके पेट्रोल में क्या आ जाएगा? लेड आ जाएगा. जब लेड आ जाएगा, अगर लेड सीधा निकल गया, आपके ऑटोमोबाइल के पाइप से सीधा निकल गया है, तो लेड क्या करता है? लेड फिर आपके पास अस्थमा काज करता है. और अगर लेड कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करेगा, फिर क्या होगा? पॉइजनिंग विल टेक प्लेस, पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट. फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? कैटालाइटिक कन्वर्टर विल नॉट वर्क. आपके कैटालाइटिक कन्वर्टर में क्या था? प्लैटिनियम था, पैलेडियम था, रोडियम था. तो प्लंबम जो होता है, प्लंबम जो होता है इनके ऊपर अटैक करता है. इनकी जब पॉइजनिंग होगी तो ये अपना काम फिर नहीं कर पाएंगे. जब अपना काम नहीं कर पाएंगे, कैटालाइटिक कन्वर्टर फिर काम नहीं करेगा. ओके,